नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ समय पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि कैसे चाइनीज प्रोडक्ट को खरीद के हम लोग चाइना की इकोनॉमी को मजबूत बना रहे हैं, कैसे उनकी सेना को मजबूत बना रहे हैं। कई लोगों के यहाँ पर सवाल उठे, उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं भी तो बैंगकॉक को, अली एक्सप्रेस को या फिर चाइनीज प्रोडक्ट को प्रमोट करता रहता हूँ। दोस्तों, वो तो तब था जब चाइना से हमारा रिलेशन ठीक ठाक था। हालांकि ठीक ठाक तो नहीं था, बट आज जितना बिगड़ गया उतना बिगड़ा हुआ नहीं था। तब मैंने डेफिनेटली चाइनीज प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया, चाइनीज मोबाइल फ़ोन को भी प्रमोट किया। बट अब जब जो पानी है वो सर से ऊपर निकल चुका है, चाइना ने जिस हिसाब से धोखा दिया है, धोखे से हमारे 20 सैनिकों को मारा है, अब मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाला। और मैं अपने भाई यूट्यूबर से भी कहूँगा, प्लीज़ प्रमोट ना करें। अगर आप प्रमोट करते हो और लोग उन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी चाइना की इकोनॉमी को स्ट्रांग बना रहे हो और उनकी मिलिट्री को पावरफुल। अभी इंडियन इंटेलिजेंस ने 52 चाइनीज एप्लीकेशन को ब्लैकलिस्ट किया, गवर्नमेंट को लिस्ट दिए और लोगों से इन एप्लीकेशन को ना यूज़ करने के लिए कहा है। क्यों? क्योंकि ये एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन का पर्सनल डाटा चाइना भेजती है, चोरी करती है, जो कि कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाती है और डेफिनेटली उनकी सेना को भी। और बाद में वही सेना हमारे देश में घुसपैठ करती है और उनको रोकने के चक्कर में हमारे जवान शहीद होते हैं। मैं आप लोगों से भी कहूँगा, ये 52 एप्लीकेशन है जिसमें टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, एमआई स्टोर, एमआई कम्युनिटी जैसी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस भी हैं, तो मैं एक बार आपको इन सभी एप्लीकेशन के नाम पढ़ के सुना देता हूँ। सबसे पहला है टिकटॉक। जी हाँ दोस्तों, मैं कई बार आप लोगों से कह चुका हूँ, टिकटॉक आपके मोबाइल फ़ोन का डाटा कॉपी करती है, आपकी लोकेशन, आपके मोबाइल फ़ोन में क्या क्या डाटा स्टोर है, गैलरी, फाइल, डॉक्यूमेंट, लोकेशन, SMS, OTPs, बैंकिंग डिटेल, ये सब डाटा टिकटॉक कॉपी करके चाइना भेजती है और वार के समय में जो डाटा है ये इस्तेमाल हो सकता है हमारे देश के खिलाफ। दूसरी एप्लीकेशन है लिस्ट में वर्ल्ड हाइट। जो लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं उनको तो मैं महामूर्ख कहूँगा, बेवकूफ़ कहूँगा। चाइनीज एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन में आप अपनी वर्ल्ड की डिटेल, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग, पर्सनल नंबर, सिक्योरिटी डाटा इसमें स्टोर कर रहे हो। गवर्नमेंट कहे ना कहे आपको इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। आगे लिस्ट में है वीगो वीडियोस, वीगो लाइव, वीबो, वी चैट, शेयर इट, यूसी न्यूज, यूसी ब्राउजर, ब्यूटी प्लस, जेंडर, क्लब फैक्ट्री, हेलो, लाइक, एमआई स्टोर, एमआई कम्युनिटी। जी हाँ दोस्तों, शाओमी की ये दोनों एप्लीकेशन इंडियन इंटेलिजेंस के हिसाब से डाटा लीक कर रही है और जो लोग शाओमी का फ़ोन यूज़ करते हैं उनको तो पता ही होगा ये दोनों एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल आती हैं। तो अभी तक फ़ोन मैन्युफैक्चरर ही आपका डाटा लीक कर रहा था। तो ये जो चाइनीज़ फ़ोन्स हैं ना, ये भी आपके कोई सगे नहीं हैं। शाओमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, ये सब देश को लूट रहे हैं, चाइना की इकोनॉमी को स्ट्रांग बना रहे हैं, तो इनको इस्तेमाल करना भी बंद कर दें। ऐसे ही इस लिस्ट में और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, आप लिस्ट को देख लीजिए। अगर आप इनमें से कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो फिलहाल इसको यूज़ करना बंद कर दें। हम लोग सरहद में जाके उनसे लड़ तो नहीं सकते, बट देश के अंदर रह के भी हम लोग उनको काफ़ी बड़ा नुकसान पहुँचा सकते हैं। अगर हम लोग टिकटॉक यूज़ करना बंद कर दें, शेयर इट, कैम स्कैनर, ऐसे बड़ी बड़ी जो एप्लीकेशन है, यूसी ब्राउजर, हेलो, लाइक, इन सबको अगर यूज़ करना बंद कर देना, चाइना कुछ ही दिनों में घुटनों में आ जाएगा, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाएगा। और जो ये चाइना इंडियन इकोनॉमी को गिराने की बात करते हैं, इनको मैं बता देता हूँ, अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें चाइना से, तो चाइना 80% सामान हमारे यहाँ भेजता है और हम लोग 20%। तो अगर हम लोग इनका सामान एक्सेप्ट करना बंद कर दें तो इकोनॉमी किसकी डूबेगी? हमारी नहीं, इनकी। और बाकी हम लोगों ने लॉकडाउन में देख ही लिया,
इन सामानों के बिना भी हम लोग जी सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं हमें इनकी। तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा, पहले तो ये जो 52 एप्लीकेशन की लिस्ट आई है, अगर आपके मोबाइल फ़ोन में इनमें से कोई भी एप्लीकेशन है, आप तुरंत अनइंस्टॉल कर दें। दूसरा, चाइनीज़ प्रोडक्ट को प्रमोट करना और इनको यूज़ करना बंद कर दें। यही हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन हो सकता है इस समय। हम लोग सरहद में जाकर लड़ तो नहीं सकते, बट घर के अंदर रह के भी हम लोग चाइना को काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप भी किसी चाइनीज़ प्रोडक्ट को यूज़ करते हो, तुरंत उसको उठाकर फेंक दें, नहीं चाहिए हमें। नमस्कार।